नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में जो नीट पोस्टपोन्ड के लेके काफ़ी एक चर्चा का विषय बना हुआ है उसके रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। ये वीडियो देखने के बावजूद आपको अलग से कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा कि नीट का एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। स्टूडेंट, इससे पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि नीट का एग्जाम जो आपको 12 सितंबर को अपने निर्धारित समय पर होगा और 13 सितंबर को ICAR का एग्जाम है, तो इससे स्टूडेंट को काफ़ी ट्रैवलिंग्स करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। इसलिए ICAR की वजह से इस एग्जाम को पोस्टपोन कराने के काफ़ी प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि NTA ने इसका एक सॉल्यूशन निकाल दिया है। पहले ICAR का एग्जाम आपका 7th, 8th और 13 सितंबर को होने वाला था, लेकिन अभी उन्होंने ICAR के एग्जाम को पोस्टपोन करने की बजाय प्रीपोन्ड कर दिया गया है और आपका एग्जाम जो 7, 8 और 13 सितंबर को था, अब वो 7, 8 और 9th सितंबर को होने वाला है। अर्थात आपका 13 सितंबर को जो एग्ज़ाम था उसको बढ़ा के 9 सितंबर कर दिया गया है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ICAR की वजह से आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। इसके अलावा अपन कंपार्टमेंट वालों की बात करते हैं तो 13 सितंबर को जो मैथ का एग्ज़ाम है, ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होंगे जिन पर बायो और मैथ होती है, इस वजह से इस चीज़ का ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। और इसके अलावा स्टेट लेवल पर काफ़ी एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो अपना नीट का एग्ज़ाम संडे को होता है और संडे को किसी भी स्कूल का एग्ज़ाम बोर्ड का नहीं हो पाता है। वो संडे की हर एग्ज़ाम जो बोर्ड के होते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, तो वहाँ हॉलीडे रहता है। तो आप ये मानिए कि आपका एग्ज़ाम 110% पोस्टपोन्ड नहीं होगा। तो स्टूडेंट, इस प्रकार की तमाम अफवाह चल रही हैं, इनसे आप बचकर रहें, क्योंकि ये जो NTA ने डिसीजन लिया है एक बहुत ही ऐतिहासिक डिसीजन है। अब आपका किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं होगा, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम्स आएगी। तो आप स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पे निरंतर फोकस बनाए रखें। जैसे कोई ऑथेंटिक अपडेट आएगी मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं आपको वीडियो ख़त्म करने से पहले फिर बता देता हूं, स्टूडेंट के सिलेक्शन होने ना होने में मात्र 10 से 15 दिन का ही एक ऐसा महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें आप अधिक से अधिक क्वेश्चन अपने सही कर सकते हो और अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप इस समय का जितना अधिक हो सके उतना सदुपयोग करिएगा, क्योंकि जितना आप इस समय में पढ़ लोगे आपको भले ही काफ़ी परेशानी होगी, आलस आएगा, लेकिन आने वाले 3 से 4 महीने जब काउंसलिंग का दौर चलेगा आप बिल्कुल फ्री रहोगे, तो आप पे किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होगा। तो आप इस समय का बहुत 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 ज़्यादा सदुपयोग करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है आप सीधे ही 10,000 स्टूडेंट से पीछे। तो आप खुद समझदार हैं, मेरे से ज़्यादा आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप अपना पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पर बनाए रखें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।